बिहार के कटिहार में जूट मिल के स्क्रैप में आग लग गई। देखते ही देखते यह आग की लपटें बहुत तेज हो गई। इस घटना से लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। मामला जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित जूट मिल इलाके का है, जहां RBHM जूट मिल के अंदर रखा स्क्रैप में आग लग गया। इस आग की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताते चले कि भारत सरकार की यह RBHM जूट मिल पिछले 7 सालों से बंद है। आग कैसे लगी इसकी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी के अनुसार किसी ने बीड़ी सिगरेट पीकर स्क्रैप की तरफ फेंक दी थी, जिससे आग फैल गई। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जिला अग्निशमन पदाधिकारी मनोज प्रसाद चौधरी ने बताया कि सूचना मिली कि जूट मिल में आग लग गई है, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गौरतलब है कि कटिहार का इकलौता RBHM जूट मिल भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अधीन आता है। आग लगने की सूचना मिली कि न्यू पावर हाउस रोड बोला जाता है, इसमें न्यू जूट मिल करके इसका नाम है, आग लगी है। तुरंत अपना गाड़ी कहाँ पे लगी थी आग से, कौन से डिपार्टमेंट में आग लगी थी? हमारे फायर सर्विस में दिया गया। आग कहाँ? आग तो इसमें लगी है, जो कि जूट मिल पुराना बंद पड़ी है, उसमें जो स्क्रैप जूट है उसमें आग लगी है। अभी आग लगने का कारण क्या है इसका स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आग बुझाने के बाद जो यहाँ के मैनेजर जो व्यवस्थापक हैं उनसे ये लिया जाएगा कि आग लगने का कारण क्या है। हो सकता है उनका जैसे थोड़ा सा कहना हुआ कि कोई बीड़ी सिगरेट ऐसा पी करके फेंक दिया, हो सकता है कि क्या रखा हुआ था सर गोदाम में? उसमें गोदाम में कुछ नहीं है, स्क्रैप जूट है। जूट मिल बंद है बहुत दिनों से, जैसा कि यहाँ के प्रबंधक का कहना है कि जूट मिल बंद है। तो उसमें जो अभी जूट आपको दिख रहा है वो स्क्रैप जूट है, कामयाब जूट नहीं है। इस घटना से सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब यह मिल बंद है, उत्पादन ठप है, तो फिर आग कैसे लगी? लाइव इंडिया हरपल के लिए कटिहार से सोनू चौधरी की रिपोर्ट।